जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि एक यूट्यूब की वीडियो कैसे वायरल होती है, एक यूट्यूब वीडियो कैसे रैंक होती है। ये आप लोग सबसे पहले स्क्रीन पर प्रूफ के लिए स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। मुझे ज्यादातर जो व्यूज आते हैं वो यूट्यूब के सर्च से आते हैं। सर्च का मतलब मेरी वीडियो सर्च में रैंक हो गई है, यानी जो भी बंदा कुछ इस तरह टाइप करता है, जो जो मेरी वीडियोज होती है उसको मेरी वीडियो सर्च पे ही दिखाई देती है। तो इसके यहाँ पर मैं आपको यही स्ट्रेटेजी समझाने जा रहा हूँ कि आप लोग अपनी यूट्यूब वीडियो को कैसे रैंक पर ला सकते हैं, कैसे अपनी वीडियो को वायरल करवा सकते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन कर सके। सिर्फ व्यूज ही नहीं, इसका एक और भी फायदा होने वाला है जो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है, ये वीडियो जो आप लोग अभी देख रहे हैं, वीडियो को यहां लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी क्लिक करके सब्सक्राइब करके ऑल पर जरूर क्लिक करना। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो ही चीजें बताऊंगा। सबसे नंबर वन चीज कि आप लोग अपने वीडियो को वायरल यानी रैंक कैसे करवा सकते हैं, यानी कोई भी यूजर आता है वो यूट्यूब पे सर्च करता है आपकी वीडियो, उसको सबसे पहले दूसरे टॉप 10 में आपकी वीडियो शो हो जाए, उसका ये फायदा होता है कि आपको व्यूज याद आएंगे और आने वाले टाइम में आते रहेंगे। तो इसका यही सबसे बेनिफिट होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट। इसका एक दूसरा बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों बेनिफिट जो है ना बहुत ज्यादा कमाल के होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हमें चाहिए व्यूज और दूसरी तरफ जो है ना हमें चाहिए पैसा। तो अगर आप सही तरीका जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हैं, उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स वगैरह को सही तरीके से लिखें। और जब आप ये तीनों चीजें जो है ना सही तरीके से लिखेंगे तो फिर आप डेफिनेटली अपनी वीडियोस को रैंक करवा सकते हैं यूट्यूब के सर्च रिजल्ट में। तो इसके लिए आपने करना क्या है, ये वीडियो आपने लास्ट तक देखना होगा। जब आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ये सारी चीजें, ये सारी स्ट्रेटेजी जो है ना आप सीखेंगे, खुद आप इंप्लीमेंट करेंगे और आपकी वीडियोज पर सर्च से व्यूज आना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको एक इसका फायदा बता दिया कि इसका ये फायदा है कि आपकी वीडियो अगर सर्च रिजल्ट पे चली जाती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे, क्योंकि वो रैंक होती है ना सर्च में, तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज आते हैं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब उस वीडियो को उस कीवर्ड पर जो आपके जिस कीवर्ड पर आपका जो ना वीडियो रैंक करता है यूट्यूब, वही कीवर्ड पर आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आते हैं यूट्यूब के सर्च रिजल्ट से। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपने उसके लिए कोई स्ट्रेटेजी जो स्ट्रेटेजी है कैसे आपने अपनानी है अपने वीडियोस के लिए, वो भी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा मोबाइल की स्क्रीन पर। लेकिन साथ में एक और भी बड़ा फायदा इसका होने वाला है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो यहाँ पहले मैं बताता हूँ, देन इसके बाद आपको यानी प्रैक्टिकल करके आपको जो है ना समझा भी देता हूँ और आपको शो भी करने जा रहा हूँ कि कैसे ये देखिए ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। ठीक है, तो देखें, एक फायदा तो मैंने आपको बता दिया कि सर्च की वजह से आपको ज्यादा व्यूज आएंगे और आते रहेंगे। दूसरा एक सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है कि फॉर एग्जांपल आपके एक वीडियो पर 5000 व्यूज आए और वो भी मिक्स आए, नोटिफिकेशन, ब्राउज फीचर यानी मिक्स आए हैं, और दूसरी वीडियो पर आपके 5000 व्यूज आए हैं सर्च रिजल्ट से। मेरी बात सुन रहे हो, यानी एक वीडियो पर आपके व्यूज 5000 है, मिक्स आपने शेयरिंग की, व्हाट्सएप मैसेंजर पे शेयर किया या ऐसे ही फेसबुक के यूट्यूब के नोटिफिकेशन से आया, ब्राउज फीचर से आया, किसी भी यानी दूसरे जो है ना सोर्स से आया, उसके 5000 व्यूज, और दूसरी तरफ जो वीडियो है उस पर सारे के सारे यानी 5000 व्यूज है वो आए हैं यूट्यूब के सर्च से। तो आप अर्निंग किसकी ज्यादा होगी, ये जो यूट्यूब सर्च से होगी इसकी कई गुना ज्यादा अर्निंग होगी दूसरे वीडियो की निस्बत। तो आपने इस चीज को ज्यादा से ज्यादा यानी एक तरजीह देनी है इस चीज को, और इस चीज को आप लोगों ने सीखनी है आज की वीडियो से। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि ये कैसे स्ट्रेटेजी है, कैसे ये काम करती है, कैसे वर्क करती है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आने के भी चांसेस होगी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, अगर उस वीडियो पर आपके जो 5000 व्यूज आए हैं बाकी सोर्सेज है उससे आपके $5 बनते हैं, तो इस वीडियो से जिसके 5000 दूसरी वीडियो जो है ना जिससे आपको 5000 व्यूज सच से है, इससे आपके $25 भी बन सकते हैं। और ये हकीकत है, और यही हकीकत मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर लाइव डेमो करके आपको समझाने जा रहा हूँ। तो आइए मोबाइल की स्क्रीन पर, ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा दूँ, ठीक है, और समझा दूँ और शो भी करूँ कि ये बिल्कुल हकीकत है। मैं आपको अपनी एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। सो आइए मोबाइल की स्क्रीन पर, ताकि ये सारी स्ट्रेटेजी जो है ना सीख ले, ठीक है। सो आइए मोबाइल की स्क्रीन पर।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अभी प्रैक्टिकल बताना चाह रहा हूँ कि एक सही वीडियो कैसे अपलोड करें। इस सही वीडियो का मेरा मतलब है कि वीडियो को सही टाइटल टैग्स वगैरह देने से आपकी वीडियो रैंक होगी तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपने अपना यूट्यूब ओपन करना है। ये देखिए मेरा यूट्यूब ओपन है। यूट्यूब ओपन होने के बाद यहाँ पर आप लोगों जो ये आइकन है इस पर आपने क्लिक करके टर्न ऑन इनकॉग्निटो पर आपने क्लिक करके इसको यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, टर्न, ये देखें मेरा टर्न अनकग्निटो मोड जो है ना वो ऑन हो चुका है। अब क्या करना है, मैं दो स्ट्रेटजी यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ। दो स्ट्रेटजी, दोनों आप गौर से सुनिएगा और इस पर इम्प्लीमेंट कीजिएगा अगर आप एक सही यूट्यूबर बनना चाहते हैं, सही में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, तो ये स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाइएगा। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है। लिखना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल अभी बता रहा हूँ। मेरी वीडियो का जो है ना टॉपिक होने वाला है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका टाइटल है कि यानी यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें। यूट्यूब वीडियो वायरल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो मैंने सही टाइटल किस तरह देना है वीडियो को। चले मैं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बिल्कुल सिंपली समझा दूँ, तो आप लोग अपना वाइट स्टूडियो ओपन करें। ठीक है, वाइट स्टूडियो ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूं, ठीक है, और इस पर पेंसिल पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहां पर आपने क्या करना होगा, ये चीज़ें मैं रिमूव करता हूं, आपको सही पहले से समझा देता हूं। ठीक है, तो कैसे है होता है ये सारी चीज़ें कैसे की जाती है, तो यानी फॉर एग्जांपल आपने वीडियो यहाँ पर जो है ना वीडियो वायरल करने के लिए सही टाइटल डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताया ना कि टैग्स और टाइटल वगैरह देनी होती है, सही है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये वाइट स्टूडियो मैंने ओपन कर रहा है। वाइट स्टूडियो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लोग वाइट स्टूडियो में अपने वीडियो को यानी उसकी फुल कस्टमाइजेशन थंबनेल लगाना सारी चीज़ें मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सही तरीके से हम अपने वीडियो को टाइटल कैसे दे सकते हैं। सही तरीका मतलब हमारी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस बढ़े, तो इसके लिए हम सही तरीके अप्लाई करेंगे। तो सही तरीका यही है कि यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो को टाइटल देना है। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो है कि यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वीडियो का मतलब है, इसका टॉपिक यही है, तो यहाँ पर आपने यूट्यूब के इन अनकग्निटो मोड जो है ना, ये देखे मैंने यूट्यूब ओपन किया है, साथ में दो चीज़ें वाइट स्टूडियो ओपन की है और दूसरे साइड पे मैंने यूट्यूब ओपन कर रखा है, और उस पे यूट्यूब पे मैंने एक चीज़ ओपन की है जो मैंने आपको बताया अनकग्निटो मोड। अनकग्निटो मोड पे आपने लिखना है यूट्यूब वीडियो वायरल, ये देखे मैंने वी लिखा तो आगे मेरे पास खुद आ गया। तो इस तरीके से आपने सही टैग्स लेना है, सही टाइटल और टैग्स लेना है। मैं आपको अभी बिल्कुल प्रैक्टिकली आप देख, मैंने लिखा यूट्यूब के सर्च में यूट्यूब वीडियो वी, मतलब मैंने वायरल लिखा, लेकिन वायरल से पहले उसको पता चला कि ये वायरल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखें फर्स्ट वाला जो टाइटल है यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, इस पर आपने यहाँ से क्लिक करना है। ये देखें इसको यहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है, ये देखें मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं वापस आता हूँ इस वाइट स्टूडियो के एप्लीकेशन पर और वाइट स्टूडियो के जो टाइटल बॉक्स है इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक टाइटल हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करके इसको लगा देना है। ठीक है, और इसके साथ एक और भी यहाँ पर आपने टाइटल लगाना है। तो और टाइटल लगाने के लिए यहाँ पर यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें, इसके बाद मैंने इंग्लिश में लिखना है, एक उर्दू में टाइटल एक इंग्लिश में। आप ऐसे भी दूसरा यहाँ से उठा सकते हैं, ये देखें यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें मोबाइल से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका दूसरा कीवर्ड हो गया, यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें मोबाइल से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करके ये दूसरा कीवर्ड मैंने कॉपी किया, दूसरा टाइटल, क्योंकि यहाँ पर मैं क्यों दूसरा कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ, यूट्यूब वाले मुझे खुद कहता है कि 100 वर्ड्स तक आप एक टाइटल सही वाला यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा जो मैंने कॉपी किया ये भी, ये देखें यूट्यूब वीडियो वायरल कैसे करें मोबाइल से, तो ये मेरा एक बेहतरीन कीवर्ड हो गया और इस कीवर्ड पर मुझे व्यूज़ आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि एक सर्चेबल टॉपिक है। किसने बताया, यूट्यूब ने खुद बताया। तो इस तरह आपने वीडियो को सही टाइटल देना है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में सबसे बेहतरीन तरीका यही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपने टाइटल दिया है ना, यही टाइटल आपने यहाँ से सारा कॉपी करना है। ठीक है, ये देखिए सारा कॉपी करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके ये जो सारा आपने कॉपी किया है ना वो यहाँ पर आप पेस्ट करें। ठीक है, ये देखें मैं आपके सामने पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें। इसके बाद बस आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर आपसे होता है तो हैशटैग लिखे यूट्यूब वीडियो वायरल, क्या लिखना है हैशटैग, ये फ़ायदा मंद होती है। यूट्यूब वीडियो
वायरल, ये साथ लिखेंगे, ये देखें यूट्यूब वीडियो वायरल, तो ये आपने हैशटैग लगा दिया, जैसे हम टिकटॉक वगैरह पे लगाते हैं ना हैशटैग, तो इस तरह दो तीन हैशटैग इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये आपका यानी दो चीज़ें कवर हो गई, टाइटल भी आपका एक क्लियर हो गया और एक ज़बरदस्त कीवर्ड यहाँ पर आपने लगा दिया जिस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी ये वाला डिस्क्रिप्शन है, ये भी आपका हो गया। अब थर्ड नंबर पे आपके पास चीज़ आती है टैग्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो टैग्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि टैग्स आपने कैसे लेना है, ठीक है। टैग्स लेने के लिए जो आपकी यहाँ पर टाइटल है ना, टाइटल को आपने इस तरीके से दोबारा फुल कॉपी करना है, ठीक है। तो टैग्स लगाने के लिए आपने गूगल पर जाके सर्च करना है, टैग जेनरेटर लिखना है, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है ना, ये वाला रैपिड टैग्स, इस पर आपने यानी यहाँ से आपने क्लिक करना है। ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आपने भी इस तरीके से ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र पे, ये यानी गूगल में, और यहाँ पर सर्च करना है, ये जो सर्च का बटन है ना ये वाला, इस पर आपने वो चीज़ पेस्ट करनी है जो यहाँ से आपने कॉपी की थी। ये देखें यहाँ से जो आपने ये वाला टाइटल कॉपी किया था ना, ये जो वीडियो का टाइटल दिया है वही आपने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके ये सर्च के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। ये मैं क्लिक कर दिया, इसने मुझे टैग्स दिए, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टैग्स इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। इसमें से तकरीबन ये देखे मैं सारे, ये देखे एक साथ में यहाँ से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, ये मुझे 8-9-10 टैग्स इसने प्रोवाइड किए इस वेबसाइट ने जो मेरे वीडियो से रिलेटेड है और ज़्यादा व्यूज़ आने वाले टैग्स है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पर आता हूँ और एक एक टैग्स को यहाँ पर मैं यानी पुट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके इसको ये ऐसे भी पुट करता हूँ, नहीं तो आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास नोट है, और नोट में आपने ये सारे टैग्स, ये देखे मैंने सारे टैग्स यहाँ पर एक साथ में पेस्ट कर दिए जो मैंने वहाँ से किए थे, तो आप यहाँ से एक एक टैग उठा के ये देखे, ये बेहतरीन तरीका है। ये देखे कॉमा तक आपने एक टैग्स कॉपी किया, और दोबारा यहाँ पर आप वाइट स्टूडियो में आए तो एक टैग यहाँ से ये देखे कॉपी कर दिया, ये कॉमा है ना इसको रिमूव करके इस पर क्लिक करें तो ये आपका एक टैग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक एक टैग्स को यहाँ से, ये देखे कॉमा के बाद दूसरा हाउ टू वायरल वीडियो ऑन यूट्यूब, तो फिर ये आपने दूसरा कॉपी करना है या लिख के वहाँ पर करना है जो आपको आसान लगे, वो इस तरीके से आपने सही तरीके से आपने वीडियोस को टैग्स देनी है। तो अच्छा अब आते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ कि क्या इस तरीके से करने से हमारी वीडियो यूट्यूब सर्च में जाती है या नहीं जाती, चलिए वो भी देख लेते हैं। अच्छा तो प्यारे दोस्तों सिर्फ ये ही नहीं कि वो मैं आपको बताऊँ, बाकी मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा जो कोई नहीं बताता। सबसे पहले इस वीडियो का एग्जांपल लेते हैं, तो अब जो है ना हम इस वीडियो का एग्जांपल लेते हैं, इस पर बेशक इतने ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं है लेकिन इस पर व्यूज़ आते रहेंगे आते रहेंगे। मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा ना कि इस पर व्यूज़ आते रहेंगे क्योंकि एक और ग्रीन टॉपिक है, इस पर स्टार्टिंग पर अगर व्यूज़ नहीं भी आते हैं तो आने वाले टाइम में आपको इस पर व्यूज़ आने यानी इस पर स्लोली भी आ सकते हैं, धीरे धीरे वो आपकी रैंक होती जाएगी, रैंक हो गई तो आपको एक वीडियो एक महीने में आपको इतनी आमदन देगी कि यानी आप खुद हैरान होंगे, एक ही वीडियो सिर्फ, बाकी तो सारा टोटल चैनल मिला के आपको कई सारी अर्निंग दे सकती है। तो फॉर एग्जांपल ये एक मेरी वीडियो है ये वाली, ठीक है, इस पर टोटल 400 व्यूज़ है। गोटो एनालिटिक्स पर क्लिक करते हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना समझता हूँ, ठीक है। तो इस पर टोटल 400 व्यूज़ में से ये देखे यानी 200 प्लस व्यूज़ तकरीबन मुझे सर्च रिजल्ट से आए, ये देखे नोटिफिकेशन से 35% और यूट्यूब सर्च से 32। इस 32 का ये मतलब नहीं है कि 32 व्यूज़, यानी 400 को 32% करेंगे तो 200 तक तकरीबन व्यूज़ मुझे एक दिन के अंदर दो दिन के अंदर मुझे कहाँ से आए हैं, यूट्यूब सर्च से, एक और ग्रीन टॉपिक पर, और ग्रीन टॉपिक पर इतने व्यूज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक फ़ायदा तो ये हो गया कि ये हमेशा इस पर व्यूज़ आते रहेंगे, इसका ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा मैं आपको भी बताता हूँ, एक फायदा तो आपको क्लियर हो गया कि ये व्यूज कहां से आ रहा है, यूट्यूब सर्च से दूसरे नंबर पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं मुझे। अभी भी अगर लास्ट 48 आवर्स में इस पर 50 व्यूज है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन इसमें भी ज्यादा से ज्यादा व्यूज यूट्यूब सर्च से है, ये देखे आपके सामने है, बिल्कुल आपको लाइव दिखा रहा हूं। अब हम जाते हैं कुछ मेन चीजों के बारे में, यहां पर इसके रेवेन्यू पर जाते हैं। 400 व्यूज पर देखे तो सही, 400 व्यूज पर मुझे $2.31 यानी ये कल तक अपडेट होंगे तो फिर ये $1.5 या कुछ कम $3 तक होंगे, यानी 200 व्यूज से भी कम मुझे यहाँ पे डॉलर बन रहे हैं, 200 व्यूज से भी कम मुझे $1 मिल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यही है। वैसे तो आपको 1,000, 1,200, 1,500 व्यूज पे आपको $1 मिलता है, यहाँ पर हमें 180, 170, 180, 190, 200 व्यूज पर मुझे $1 मिल जाता है, तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू के साथ दूसरे नंबर पर ये देखें, अगर आपको 1,000 व्यूज़ आते हैं तो आपको 5.35 डॉलर मिलेंगे। तो यार 1,000 व्यूज़ क्या बड़ी बात है यार, बहुत ईजी होती है। यही तरीका है जो मैंने आपको समझा दिया, इसको आप लोग फॉलो करो अगर आपको सर्च से व्यूज़ चाहिए तो इस वीडियो को मैं आपके सामने ये देखे इस वीडियो का भी आपको इस पर 1,100 व्यूज़ आया है। ये देखे माशाल्लाह इस पर व्यूज़ अभी, ये देखे मैंने कुछ बातें आपसे की थी ना कि बेशक आपको स्टार्टिंग पे व्यूज़ कम आए, कुछ आपने टेंशन नहीं लेना, आपको व्यूज़ आएंगे सर्च से आएंगे। सर्च वाले के 2 फायदे मैंने आपको बता दिए, आपकी वीडियो रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होती है, रैंक हो गए तो हमेशा आपको व्यूज़ दे सकती है। दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि जो है ना इस पर आपको अर्निंग ज़्यादा होती है, बहुत उसके कई गुना ज़्यादा होती है जो बाकी वीडियोज़ की अर्निंग होती है। इसके वॉच टाइम यानी डाउन नहीं जा रहा है, लोग इससे ज़्यादा आगे उसको पसंद किया जो है ना कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर जा रही है, यानी व्यूज़ वॉच टाइम सब कुछ ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर की तरफ उसका ग्राफ जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम अगर चेक करेंगे तो इस पर भी हमें काफ़ी अच्छी अर्निंग, ये देखें 4.7 डॉलर इस पर भी हमें काफ़ी अच्छी अर्निंग देखने को मिल गई है। 200 व्यूज़ पर तकरीबन मुझे डॉलर मिल जाती है, तो किसी बहुत कम लोग होते हैं जिसको 200 व्यूज़ पर 1 डॉलर मिल जाता है। तो ये एक बेहतरीन तरीका, सही तरीका, सीक्रेट तरीका मैंने आपको बता दिया। प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठाए। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना और वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।